हाय एवरीवन, मेरा नाम अमोल दुपारे है। मैं प्रॉपरली बेसिकली भोपाल से बिलोंग करता हूँ, जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी हुई है भोपाल से, और अभी मैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में एज अ टेक्निकल ऑफिसर वर्किंग हूँ। तो आपने हमारे कंपनी के थ्रू एक कोर्स किया था, और आपको इस कोर्स के बारे में कहाँ से पता चला, और आप इस कोर्स के बारे में बताना चाहेंगे? मैं पहले लिंक्डइन यूज करता था मैम, तो लिंक्डइन पे मुझे प्रो ट्रेनिंग का जो पेज है उसे एक बार लाइक कर दिया। देन उन्होंने अपना अपडेट डाला लिंक्डइन पे। देन मुझे इंटरेस्टेड लगा, बिकॉज इट्स बेसिकली फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग कोर्स, और ये सिविल इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट है। तो फिर मैंने इंटरेस्टेड था मैं, बिकॉज मेरे दोस्त वगैरह भी इस पे पहले से काम करते थे, तो मुझे पता था कि भाई ये होता क्या है। तो देन मैंने कोर्स ज्वाइन किया, सर लोगों से अच्छी बात हुई। आयुष बेसिकली मैम, ये प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एक सिविल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है कि बैंकिंग सेक्टर में आप देखेंगे कि एक लोन डिपार्टमेंट होता है। तो लोन डिपार्टमेंट में कई सारे मतलब पार्ट्स होते हैं। तो टेक्निकल डिपार्टमेंट का जो काम होता है उसमें प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का काम आता है। बेसिकली कई जैसे कस्टमर रहते हैं जो लोन लेने बैंक में आते हैं, तो उनका एक प्रॉपर्टी, अगर वो अपने प्रॉपर्टी के बिहाफ में लोन लेते हैं, ठीक है, तो इस बिहाल पे एक टेक्निकल टीम होती है जो प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन करने के लिए, मतलब प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर ले और उसके सारी जो टेक्नोलिटीज जो देखते हैं वो टेक्निकल ऑफिसर देखते हैं। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का कोर्स ज्वाइन किया। अब पहले तो लगा कि भाई कैसे होता है, क्या होता है, कुछ पता नहीं था, लेकिन आयुष सर ने काफी अच्छा हेल्प किया। बहुत सारी डिटेल्स के साथ उन्होंने पढ़ाया, उसकी बहुत सारी डिटेल्स थी कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन होता क्या है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स क्या होती है, बहुत सारे उसके फायदे क्या होंगे, जॉब सेक्टर्स कैसे है इसमें, प्लेसमेंट्स कैसे होंगे, तो सारी चीजों के लिए उन्होंने हेल्प करा हमें। ओके, तो काफी पर्सनलाइज्ड आपको इंडिविजुअली अटेंशन मिला था डिटेल्स स्टडी करने के लिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैम देखिए, मैं सबको सजेस्ट करूंगा, अगर कोई आगे भी कर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का कोर्स करना चाहता है तो अपने रिज्यूमे में इसे मेंशन करें और बहुत एकदम हाईलाइट करें इसे। मैंने उसे हाईलाइट किया, मैंने पॉइंट्स डाले कि भाई इसमें क्या क्या कोर्स होता है, कोर्स के अंदर के पूरे जो पॉइंट्स होते हैं कि हाँ, जैसे अपन हर एक चीज उसमें डिटेल्स के साथ अपन ने डाली है। हाँ। तो मैंने उसे डाली, तो जब मैं इंटरव्यू में गया तो सिविल इंजीनियर तो कंपनी का नाम क्या है जिसमें भाई लोग साइड, कौन सी कंपनी में आप प्लेस किए? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ओके, तो इंटरव्यू, हां बोल सकते हो। तो इंटरव्यू के पर्पज से क्या है, उसमें आप आपके सारे जो आपने जो सीखा है उसके पॉइंट्स अगर मैं आप डाल के जाएंगे तो वो उसी को पॉइंट आउट और नोट आउट करेंगे कि भाई हाँ, इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग तो करी है, दूसरा कोई एक्सपीरियंस है तो वो ठीक है, लेकिन अगर अगर आप एज ए फ्रेशर है तो आप अगर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का अपने जो सर्टिफिकेट कोर्स का जो आप उसको मेंशन करेंगे तो आपको अटेंशन थोड़ी ज्यादा मिलेगी। तो इस कोर्स में क्या था कि सारी टेक्निकलिटीज जो होती है, ब्रीफिंग जो होती है, आयुष सर ने और प्रोटीनी टीम की तरफ से उन्होंने बहुत शानदार तरीके से हमें समझा के रखा था। ये कोर्स एज ए जो जो फ्रेशर्स लोग हैं जिन्होंने अभी तक प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में काम नहीं किया हुआ है, तो उनको काफी हेल्पफुल है प्लेसमेंट देने के लिए। बिकॉज आप इसे रिज्यूमे में मेंशन कर देंगे, आगे वाले जो कंपनी वाले जो इंटरव्यू लेते हैं तो आपके जो इस कंटेंट जो इसमें होते हैं उसे नोटिफाई करते हैं कि हाँ भाई, इन्होंने प्रॉपर्टी वैल्यूएशन से ही रिलेटेड कोई कोर्स किया है, इसके टेक्निकल टर्म्स पता है, बेसिक नॉलेज आता है। तो इसे आप एक रॉ जो नॉलेज होता है वो हमें मिल जाता है, इसके कारण थोड़ा सा आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं प्लेसमेंट लेने के लिए।